नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा। आज की मशीनी जिंदगी में हमारे पास खुद के बारे में 2 मिनट रुककर सोचने की फुर्सत नहीं है, पर यह व्यस्तता हमें कहाँ ले जा रही है, ये सवाल आप सभी के जहन में रहा होगा। लेकिन आज हम इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। अक्सर हम देखते हैं कि इस बीच लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं होती हैं। डिप्रेशन भी एक मूल वजह है और कई लोग हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी, हर वर्ग के लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आज हम एक विशेष पैनल के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप क्या करें, क्या ना करें। विभिन्न ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे, खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा जो आपको ये बताएगा कि अपनी राशि के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, क्या कुछ इसकी वजह है, लाल किताब के अनुसार आपको क्या कुछ करना चाहिए। हम आपको तमाम चीज़ें बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय जल्दी से करवा देती हूँ आप सभी से। हमारे साथ मौजूद है प्रीति शांडले, लाल किताब ज्योतिषाचार्य। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस डी मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये महावस्तु एवं रमन शास्त्र विशेषज्ञ। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य देव और डॉक्टर शैलेश तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रीति जी, मैं आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करने वाली हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि आज के वक्त में बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्या डिप्रेशन है और हर एक शख्स कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है। मैं सबसे पहले आपसे यहाँ पर यही जानना चाहूंगी प्रीति जी कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। ठीक है, मुझे यहाँ पर लग रहा है प्रीति जी आपको मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, शायद यहाँ पर कुछ तकनीकी खामी आ गई है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आचार्य देव जी, आप ही से मैं सवाल का जवाब जानना चाहूँगी। डिप्रेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, बहुत लोग कहीं ना कहीं खुद में संतुष्ट नहीं है, क्या इसकी वजह ग्रह नक्षत्रों की अगर बात कर ली जाए तो उस हिसाब से कैसे आप इसकी व्याख्या करते हैं आचार्य देव जी? आचार्य जी, मेरी आवाज़ क्या आपको मिल पा रही है? जी जी प्रिया जी, अभी आवाज आ रही है जी। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि आखिरकार डिप्रेशन की वजह क्या है, क्यों हर व्यक्ति परेशान है, ग्रह नक्षत्रों की इसमें क्या भूमिका है? जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को नमस्कार, माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। पहले मंत्रों से हम लोग शुरुआत करते हैं जी। ओम या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम बताते हैं कि डिप्रेशन का कारण क्या होता है, जो हाथ में भी आपको देखने को मिल जाएगा और आपकी कुंडली में भी वो देखने को प्रिया जी मिल जाएगा जी। जो भी दर्शक हैं वो अपना हाथ भी देख सकते हैं, मैं उनको बताऊंगा कि रीजन क्या है, कौन सा ग्रह है जिसके कारण डिप्रेशन होता है। सबसे बड़ा कारण जो ज्योतिष शास्त्र में देखा गया या जो रिसर्च में पाया गया वह है राहु। जब भी कुंडली में राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की प्रत्यंतर दशा जब जब कुंडली में आई है, तब तब आदमी को तनाव जरूर होगा और ऐसा तनाव होगा कि जिसको उसको समझ में नहीं आएगा कि ये अचानक कैसे चीजें बदल गई। जैसे सब कुछ देखिए आपके जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहता है, अचानक चीजें इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, अभी तक तो सब ठीक था, जैसे घर परिवार में सब ठीक चल रहा है, अचानक माहौल बहुत बिगड़ जाएगा और बहुत झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा पत्नी से, पति से, किसी से भी। तो ये स्थिति सिर्फ राहु अकस्मात चीजों को जन्म दे देता है जो आपको तनाव से निकलने नहीं देता है। उसके साथ साथ जब भी चंद्रमा का संबंध राहु से हुआ है तब तब ग्रहण योग एक तरीके से निर्माण होता है, कुंडली में देखा जाता है। तो राहु और चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ज्योतिष शास्त्र में माना गया। तो जब, क्योंकि हम लोग परेशान मन से ही होते हैं, है ना, तनाव मन से ही उत्पन्न होता है, तो चंद्रमा मन का कारक है, राहु और चंद्रमा का जब जब संयोग होता है तब तक तनाव की स्थिति पैदा जरूर होती है। आपको ये चीज गोचर में भी देखने को मिल जाएगी और हाथ में भी देखने को प्रिया जी मिल जाएगी। जैसे कि हाथ में राहु का स्थान यहां होता है, ये जो मध्य स्थान है
सारे लोग अपनी हथेली को देखें, आपके यहां पे अगर कोई मार्क या कोई काला तिल या बहुत सारे कट के निशान यहां पे आपको दिख जाएं, तब आप समझें कि ये जीवन में एक बार स्ट्रेस बहुत बड़ा देने वाला है। यहां से ही सारी चीजों को, जब दशा हमारी जैसे जैसे परिवर्तित होती है वैसे वैसे हमारे हाथ की रेखाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। आप देखिए कि पहले आपके हाथ में तिल नहीं रहेगा, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि तिल आ जाएगा। कई बार आपका हाथ एकदम साफ सुथरा रहेगा, उस कुछ दिन के बाद उसमें बहुत जगह जगह पे कट आ जाएंगे, बहुत जगह जगह पे मार्क बन जाते हैं। तो जहां पे भी मध्य में अगर कट बना हुआ है तो यह राहु का ही कारण है। इसका मतलब है कि अब आपके जीवन में तनाव की स्थिति पैदा होने वाली है, आपको उसको बहुत ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो तनाव ठीक किया जा सकता है वह है संयम। अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। जब भी तनाव हो, अगर व्यक्ति अपना धैर्य खो दे तो आप ये समझिए वो बहुत पागल हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो राहु भय का कारक है, जब भी ये सिम्टम्स होते हैं तो भय की स्थिति जरूर कुंडली में पैदा हो जाती है, मन में बहुत डरा हुआ आदमी महसूस करेगा, इस तरीके की स्थिति होती है। जी प्रिया जी, काल किताब की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में है, तो क्या कुछ करना चाहिए इस वक्त पर? लाल किताब के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, किस तरीके से वो खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है? प्रिया जी, जी लाल किताब के हिसाब से जैसा हमारे सहयोगी ने कहा कि राहु चंद्र की युति हो या कहीं से दृष्ट हो, शनि की भी उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में डिप्रेशन होता है। तो सबसे पहले लाल किताब के दृष्टि से हम क्या करते हैं कि डिप्रेशन की राहु की वस्तुओं को घर से निकाल देते हैं। बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपका राहु खराब हो रहा है, तो निश्चित ही आपके घर की सारी वस्तुएं जो इलेक्ट्रॉनिक हैं वो कुछ न कुछ गड़बड़ होने लगेंगी, या आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा खराब वस्तुएं, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान स्टोर होने लगेगा। तो इससे ये पता चलेगा कि आपका राहु का समय खराब होने लगा, चंद्र खराब उसके साथ ही होने लगता है, और इस स्थिति में आपको राहु की वस्तुओं को घर से निकाल देना चाहिए। बहुत बार बुध भी इसका कारण होता है, तो बुध की वस्तुओं को भी आप अपने घर से बाहर करिए। हरी मूंग ना खाइए, अंडे का सेवन ना करिए, आप मांस मदिरा का सेवन ना करिए। अच्छा, चंद्र राहु की युति से जो विष योग बनता है और ग्रहण हो जाता है, उस स्थिति में भी रात्रि में सूर्यास्त के बाद दूध ना पिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रिकॉशंस जो हैं, अगर आप करते हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, या डिप्रेशन से आप अपना बचाव कर सकते हैं। हाँ प्रिया जी, जी प्रीति जी, यहाँ पर एक और मेरा सवाल होगा आप ही से, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि कई जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो खराब होने लगते हैं घर में और लोगों को उसको निकाल देना चाहिए। कई दफा ऐसा भी देखने को मिला है कि लोगों की घड़ियाँ, जिसका आपने जिक्र किया कि बार बार वो खराब हो जाती हैं, हम बैटरी चेंज करते हैं लेकिन बावजूद वो खराब हो जाती हैं, तो क्या इसकी वजह से भी इसको हटा देना चाहिए ऐसी स्थिति में? बिल्कुल प्रिया जी, बंद घड़ियाँ और घड़ी दक्षिण दिशा में आपने घर के दक्षिणी दीवार पे लगा रखी है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। बंद घड़ी या तो आप घर से निकाल दें, पुरानी हो गई है, अगर नई यूज में है तो निकाल दें, और नहीं तो उसमें बैटरी लगा के, मैं ये कहूंगी कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होती है उसको या तो रिपेयर करा के रखें, या आपको लगता है कि ये यूजफुल नहीं है तो इसको बाहर निकालें। जी, एक बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि अभी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। डॉक्टर एसडी मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है कि वास्तुशास्त्र की इसकी अपनी एक अहम भूमिका है। कोई चीज़ अगर सही दिशा में नहीं है तो कहीं ना कहीं इससे भी बहुत ज़्यादा जो नकारात्मकता है वो आती है, बहुत नेगेटिविटी का संचार होता है। तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए ऐसी स्थिति में, ताकि व्यक्ति जो है वो और भी ज़्यादा व्यथित ना हो? प्रिया जी, जैसे अभी हमारे दोनों सहयोगियों ने, आचार्य देव एवं प्रीति सांडिल्य जी ने
चर्चा किया कि जब भी कभी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है तो राहु के कारण होता है, वह मुख्य कारण होता है। अब हमें जो हमारे दर्शक हैं, जो जातक हैं, उन्हें यह देखना होगा कि अगर राहु की बार बार चर्चा आ रही है तो राहु का स्थान वास्तु में कहाँ है। तो वास्तु की दृष्टि से राहु सदैव विराजमान होता है, राहु का सर्वाधिक मुख्य क्षेत्र टॉयलेट है। अभी प्रीति सांडिल्य जी ने चर्चा किया कि चंद्र और राहु की यदि युति होती है तो ये सारे सामान खराब होते हैं, ये सिम्टम है, और व्यक्ति को क्या होता है कि उसे जो है डिप्रेशन आता है। यानी दो बातें हो गई, सिम्टम कहाँ दिख रहा है, वास्तु में दिख रहा है, प्रभावित कौन हो रहा है, हमारा व्यक्ति हो रहा है। अब लक्षण आगे के क्या है, तो हमें यह देखना होगा जब हम उसको वास्तु पे लेके आएंगे तो चंद्र और राहु, चंद्र किसका कारक है, जल का। हमारा वास्तु कहता है कि चंद्रमा जल है, जल मतलब शुद्ध जल, टॉयलेट में भी जल है लेकिन वो राहु का है, और जिससे हम स्नान करते हैं और जो जल हम ग्रहण करते हैं, जो हमारा पीने योग्य जल है, वह चंद्रमा का कारक है। इसलिए आज हमारे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जितने होटल हैं और जितने हमारे घर हैं वहां पे तो देखिए टॉयलेट और बाथरूम एक साथ होता है, परंतु जितने भी हमारे पहले के घर हुआ करते थे वास्तु शास्त्र के आधार पे, जो वैदिक वास्तु हैं, वहां पे कभी भी टॉयलेट और बाथरूम को एक साथ नहीं किया जाता था। अब लेकिन समस्या यह है कि हमारे लोगों के पास समय कम है, जगह कम होता है, फ्लैट होते हैं, घर हमारा छोटा होता है, तो हमारे पास इतना जगह नहीं होता कि हम टॉयलेट को बाहर बनाएं और जो है बाथरूम को अंदर। इसलिए आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो हमारा आधुनिक समय चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले बाथरूम होता है, यानी इधर हम स्नान करेंगे, बगल में हमारा जो वेस्टर्न कमोड होता है इसके बीच में हम एक मोटा ग्लास लगा देते हैं। तो जब एक मोटा ग्लास लगा देंगे वास्तु के आधार पर, वहां पे हम मान के चलेंगे एक पर्दा डाल देंगे या ग्लास डाल देंगे, तो चंद्रमा और राहु की जो युति की बात हो रही है वह कट जाएगा वास्तु की दृष्टि से। और इसके साथ साथ जैसे कि कहा गया कि घड़ियां खराब हो जाती हैं, उन्हें बदलना चाहिए, उनके सेल चेंज करने चाहिए, तो वास्तु शास्त्र यह कहता है कि जब कभी भी आपके घर में दोष होगा तो आप कितना भी चेंज करेंगे वह खराब होता रहेगा। मतलब क्या है, मतलब यह है जब तक आपका घर नहीं शुद्ध होगा, जब तक आपका घर नहीं सही होगा, आप कितना भी ट्यूबलाइट चेंज कर दीजिए, आप कितना भी फैन अपना चेंज कर दीजिए, एसी, रेफ्रिजरेटर्स, जितने भी चीजें इंस्ट्रूमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के, वे सभी खराब होते हैं। प्रायः मैं लोगों के घर में जाता हूँ, देखता भी हूँ, अक्सर होता है कि वह चाहे जितना रिपेयर करा लें, चाहे जितना चेंज करा लें, वह खराब होता ही रहता है। इसलिए मेरा अपना मानना है वास्तु के आधार पर कि उसका उपाय लाल किताब में जो है उसे भी करें, परिवर्तित भी कराएं, इसके साथ साथ मंत्रों की शक्ति के द्वारा और मंत्रों में जो हमारे वैदिक ज्योतिष में जो शक्ति दी गई है और जो उपाय दिए गए हैं, जो देवता की आराधना दी गई है, उसके द्वारा भी इसे दूर करें। ठीक है, तो आवाज में क्या मेरी आवाज सुन पा रही है? हेलो हेलो, एक पॉजिटिव एनर्जी आए उसका संचार वहाँ पर हो सकता है। कौन कौन से मंत्र इस दौरान करने चाहिए जिसके जब से लोग कहीं ना कहीं अपने पास के जो माहौल है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं? शैलेश जी, जी प्रिया जी, देखिए जिस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है जिसको शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं, उसी प्रकार सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मानसिक जो प्रभाव है, मानसिक जो ऊर्जा है, वो भी शरीर के सर्वोत्कर्ष को प्राप्त कराती है। जैसे कि शरीर अगर फिट है तब तक नहीं कह सकते कि जब तक मानसिक जो स्वास्थ्य है वो फिट नहीं है। आप बहुत हमारे जो भी दर्शक जो देख रहे हैं वो सभी जानते हैं कि शल्य चिकित्सा के जो जनक आचार्य सुश्रुत हुए हैं, उस सुश्रुत का सुश्रुत संहिता में एक वचन मिलता है कि समह दोषा समाग्रिश्च समधातु मर क्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थित्वे जीयते। उनका कहना यह है कि जब तक मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कर सकते। कैसे कि सभी इंद्रियां जब प्रसन्नावस्था में होंगी, तो प्रसन्नावस्था में इंद्रियां कब होंगी, जब हम संयम हो पूर्वक रहेंगे, हमारा आचार विचार व्यवहार, हमारा भोजन पेय पदार्थ आदि सब कुछ जब शुद्ध होगा, हम सात्विक व्यवस्था को सोचेंगे, तब जाकर के हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और जीवन में प्रसन्नता में
शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं वो सभी बिल्कुल मुग्ध हो जाते हैं और सभी अपने एक्टिविटीज में लग जाते हैं। ये विज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा भी, हमारे मेडिकल साइंस के द्वारा भी ये सिद्ध है। तो इस तरह की कंडीशन में जो शास्त्र ने उपाय बतलाए उसमें कहा कि नियम पूर्वक रहना चाहिए, आचार विचार का ध्यान रखना चाहिए। आपने मंत्रों की बात की तो देखिए नवरात्र का बहुत ही अच्छा त्योहार चल रहा है, ये एक तरह से एक यज्ञ का महोत्सव है। इसमें देवी भगवती के पास बैठें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और बैठ करके देवी का जो मंत्र है, ओम या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का बैठ करके जप करें। चाहे जो इस मंत्र को नहीं जप सकते, असमर्थ हैं जपने में, तो छोटा सा मंत्र, एक बिल्वपत्र जो तीन पत्तों का बिल्वपत्र होता है, उससे उस पर रक्त चंदन से देवी भगवती का जो काम बीज मंत्र है ह्रीम, उसके पत्तों पर लिखे ओम ह्रीम, और इस मंत्र को देवी भगवती के पास ओम ह्रीम भुवनेश्वर्यै नमः इसको चढ़ाएं। और आप बिल्कुल मानिए कि भगवती इन 9 दिनों के उपासना में उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से तो शुद्ध करेंगी ही करेंगी, मानसिक रूप से इतना सक्षम बना देंगी कि वह समाज में बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे और कभी भी डिप्रेशन का सामना नहीं करेंगे। जी प्रिया जी, आखिर उसे ठीक करवा सकता है, उसे पता है कि क्या दिक्कत आ रही है, वो तमाम मंत्रों का उच्चारण कर सकता है क्योंकि उसे पता है, कुंडली है उसके पास। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है तो वो ऐसी परिस्थितियों में क्या करे? प्रीति जी, जी आवाज नहीं आ रही। अगर ठीक है प्रीति जी, मैं उसको ठीक करवा देती हूं। ठीक है, हेलो जी प्रीति जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, मैं बताती हूँ, अब आवाज आ रही है आपकी? जी जी हाँ, मिल पा रही है, मिल पा रही है। ऐसा है कि जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वो लोग सोचते हैं कि हम कैसे अपना उपाय करें, तो ऐसे लोगों के लिए रात को मूंग भिगोएं फिटकरी के पानी में। फिटकरी भी बुध होता है, मूंग भी बुध होता है, और इसको सवेरे उठ के कबूतरों को दे, कबूतर भी बुध होता है। तो आप अगर इस तरीके से ये उपाय करते हैं तो आपको, अगर पहले से डिप्रेशन है और आपके पास कुंडली नहीं है, आप क्या करें, तो आप रात को मूंग भिगो के सुबह कबूतरों को डालें। इसके अलावा आप ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको हरी वस्तुएं दान कर सकते हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना रख सकते हैं, उनके प्रति उनको पैसे रुपए कुछ चढ़ावे में दे सकते हैं। तीसरी बात कि आप अपने घर से राहु की वस्तुएँ हटाएँ, बुध की खराब वस्तुएं हटाएं। राहु की वस्तुएं मैंने पहले भी कहा कि खोटा सिक्का, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां और चौड़े पत्ते वाले पेड़ आप अपने घर से बिल्कुल हटा दें। मूंग ना खाएं, अंडा ना खाएं, अंडा क्योंकि बुध होता है, मूंग भी बुध होती है, बुध होता है। प्रिया जी, आचार्य देव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि मानसिक तनाव ऐसा नहीं है कि किसी एक सर्टन एज पर किसी व्यक्ति को हो, ये किसी को भी हो सकता है, युवा पीढ़ी को हो सकता है, जो लोग जो कि उम्र के ऐसे पड़ाव में उनको भी हो सकता है, इसकी कोई ऐसी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन आचार्य देव जी, मैं यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूँगी कि ऐसी परिस्थितियों में जिन लोगों के पास कुंडली है वो क्या करें? क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मान ले काल सर्प दोष की अगर बात कर ले जाए, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि वो करना चाहते हैं लेकिन वो काम जो है वो बीच में अटक जाते हैं, ऐसे लोग क्या करें? आचार्य देव जी, मेरी आवाज़
शायद यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ तकनीकी खामी आ गई है। मैं आप सभी के पास लौटूंगी और आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, और खास तौर पर मानसिक तनाव को लेकर, क्योंकि लोगों को समझना होगा कि तमाम जो उपाय हैं, चाहे वो लाल किताब के जरिए हो या फिर विभिन्न राशियों के जरिए हो, वो तमाम उपायों के जरिए कहीं ना कहीं इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं और एक बार फिर से वो खुशहाल जिंदगी में लौट सकते हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जब लौटेंगे तो आपको विशेष जानकारियां हम देंगे कि आप ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ करें। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।